चैम्बर से पानी फिल्टर होके इसमें इकट्ठा होता था। देखो ये मेकअप रूम है, ये कांच नया लगवाया हुआ है और उधर कांच पुराना लगा हुआ है, तो ये समर वाला अपार्टमेंट है, रानियों के लिए बनवाया था। और टेरेस से पूरे जयपुर का इतना सुंदर व्यू है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अपन जा रहे हैं जयपुर के जो भी सारे फोर्ट है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी लगभग 9 बज रहे हैं। सबसे पहले नारगढ़ फोर्ट जाएंगे, उसके बाद जयगढ़, उसके बाद आमेर का किला देखने के लिए जाएंगे। तो एक बार फटाफट से ब्रेकफास्ट करके नारगढ़ फोर्ट के लिए निकलते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप इंडियन टूरिस्ट तो 50 रुपीज़ टिकट है, स्टूडेंट तो 5 रुपये 20 रुपये टिकट कर दिया है। किसने किया है, पेंसिल से किया है, मार्कर से किया, पता नहीं। लेकिन आप इन इन दिन पे आते हो तो आपको फ्री में एंट्री मिलेगी। ये ताड़ी गेट है, ये ऐसा है, ये एंट्री है। अब टिकट ले लेते हैं। तो देखो अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं, हम लोग नारगढ़ के अंदर एंट्री ले ली। वो तीसरा गेट था और उधर टिकट विंडो था। टिकट प्राइस बाहर तो कुछ और लिख रखा था, टिकट विंडो में 2-2 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। जैसे 50 रुपीज़ लिखा होता तो 52 हो गए। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है पीछे की साइड में, अगर यहाँ से जा सकते हैं। वो पीछे एंट्री है और वैक्स म्यूज़ियम और जो सारे जो मैंने शुरुआत में दिखा ना, वो की पॉइंट्स अगर आपको कवर करने, तो उसकी एंट्री पीछे से। आगे की साइड में नारगढ़ है और नारगढ़ का उधर बाहर लिखा हुआ था निर्माण 1734 में सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था जयपुर में। तो ये है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने का है। कांच का शीश महल, फ्लोर भी कांच का बना हुआ है, तो आगे एंट्री लेंगे शीश महल में, वो देखते हैं। और ये उस टाइम की, जब तो गाइस जो पैसा अपन ने टिकट का पे किया है वो इस व्यू के लिए किया है। ये पीछे की साइड में देखो पूरा जयपुर का व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये सबसे टॉप है। और एक आगे चरण मंदिर है, उसके टॉप से भी पूरा ऐसे ही व्यू दिखता है। तो ये पूरा जयपुर दिख रहा है, एंड तक देखो वहाँ तक पूरा का जयपुर का जयपुर दिख रहा है। ये है व्यू नारगढ़ फोर्ट से। अब आगे और देखेंगे ऐसे व्यू कहाँ देखने को मिलता है। मेन यही है, यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं। ये है व्यू पॉइंट जो मैंने आपको बैक कैमरे से भी दिखाया है, इतना दूर तक इतना सुंदर दिख रहा है। और अभी बारिश हो चुकी है तो साइड साइड में सब जगह हरियाली भी है, इधर पहाड़ भी सुंदर दिख रहे हैं। इधर ये नारगढ़ फोर्ट की वॉल है पीछे की साइड में, और ये पूरे जयपुर का व्यू है। तो ये नारगढ़ की बावड़ी बनी हुई है स्टेप वेल। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो पहाड़ में छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई है ना, उसमें छोटे छोटे चैम्बर थे, वो चैम्बर से पानी फिल्टर होके इसमें इकट्ठा होता था। तो ये रेन वाटर का यहाँ से यूज़ होता था और फिर वो पूरे जो भी रहते थे उनके काम आता था वो पानी। तो ये ऐसा बना हुआ यहाँ पे। अब आगे देखते आगे और क्या एक्सप्लोर करने का। फिर यहाँ पे पानी को स्टोर करते थे, और भी पानी को स्टोर करने के लिए जगह बनी हुई है। तो ये वहाँ से फिल्टर होता था और उसके बाद ये उसके पास में बना हुआ है स्टोरेज के लिए, तो यहाँ से पानी यूज़ के लिए ले सकते थे। तो ये बना हुआ है, ये लॉक्ड है, पर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अभी बारिश की वजह से पूरा पानी भरा हुआ। और देखो अभी तो पानी को कोई मेंटेन ऐसा करता नहीं, क्योंकि किसी को पीने के काम आएगा नहीं, तो अभी पानी गंदा है। पर ये बना हुआ एक और है, तो अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाए। बात करें सर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे सवाई जयसिंह जी आए थे, सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर बसाया था। तो जब जयपुर बना था 1727 में, और इसके बाद में वॉल बाउंड्री बनवाई 1734 में। तो अलग अलग राजा का तीन राजा है, तीनों ने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाया। तो सवाई जयसिंह द्वारा यहाँ पे सर तीन चीज़ें बनवाई थी। पहला वॉल बाउंड्री, जो आप चारों तरफ जो दीवार देख रहे हो वो राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाई थी, जयपुर की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि जब जयपुर बना था, जयपुर सर 1727 के टाइम पर बना, तो जयपुर की सिक्योरिटी के लिए उनको कोई अच्छी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो लोग सिक्योर अच्छे से कर सके। तो हम लोग हाइट पे खड़े हैं, हम लोग अरावलीस पे खड़े हैं और जयपुर है अरावलीस के बीच में, तो हाइट से किस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं बजाय उसके बराबर रहने के। तो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ से वॉल बाउंड्री बनवाई है सर। और सेकंड उन्होंने बनवाया, जो आपने सर लेफ्ट में टिकट पंच करवाया, शीश महल। शीश महल से लेकर यहाँ आगे तक का जो पार्ट है, आप पीछे एक पार्ट छोड़ के वहाँ पे बैंक लगा हुआ है, SBI बैंक, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स है, वो घोड़ों के अस्तबल, और जो पीछे जहाँ पे अभी ऑफिस है वहाँ पे सैनिकों का रेजिडेंशियल। तो यहाँ पे दो ही लोग रहेंगे, सैनिकों के लिए और घोड़ों के लिए। तो फर्स्ट राजा ने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद सर
सेकंड राजा है यहाँ पे सवाई राम सिंह सेकंड, उनके 100 साल बाद उन्होंने सर यहाँ पे 3 चीज़ें बनवाई, दीवाने आम, दीवाने खास, खजाना महल और हवा मंदिर। हवा मंदिर इसलिए सर कि ये बनी वाली जो बिल्डिंग है जयपुर की सबसे टॉपेस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग है, इसके ऊपर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बाकी आमेर मिलेगा आपको, जयगढ़ मिलेगा, सब इससे डाउन साइड में मिलेगा। तो इसके अंदर राजा ने खजाना महल, खजाना रखने के लिए हवा मंदिर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हवा के लिए ऊपर वाला पोर्शन हवा के लिए था, और दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम मतलब सर आम लोगों की मीटिंग, दीवाने खास राजा की कैबिनेट कैबिनेट मीटिंग, और कैबिनेट मीटिंग्स के लिए ये वाला पैलेस काम है। इसके बाद सर थर्ड वाले राजा है सवाई माधो सिंह सेकंड, उन्होंने लास्ट वाला पार्ट में 9 रानी के अपार्टमेंट, 9 रानी ये केवल सर फीमेल्स के लिए था, जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो केवल फीमेल्स के लिए था, ये केवल मेल्स के लिए था, राजा के अलावा वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, सिक्योरिटी थर्ड जेंडर का थर्ड जेंडर, ठीक है सर, राइट, ये जो कॉरिडोर है ये किंग्स कॉरिडोर है, अपार्टमेंट्स भी जाएंगे क्योंकि ये राजा की पासवान रानी है। पासवान रानी सर, रानी वो होती है जो किसी राजा की बेटी हो या किसी राजघराने से आती है। पासवान रानी राजा को कहीं से बाहर से कोई लड़की पसंद आ गई, कोई दासी उसके साथ आ गई, तो उसकी पासवान रानी होगी। तो सर ये पासवान रानी का अपार्टमेंट है, या हारी हुई या जीती हुई जो भी है, जीती हुई राजा को कहीं से बाहर से पता गया किसी से जीत के लाए, उनके लिए ये वाला पैलेस है। भैया लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तोप के ऊपर क्यों बैठते हो, फिर यहाँ लिखना पड़ता है तोप के ऊपर बैठना मना है। सर्दियों में नीचे और गर्मियों में ऊपर, ऊपर हवा सही आती है इसलिए ना, और सर्दियों में हवाएं तेज चलती है इसलिए। ओके, वो एक बार देख ले उधर भी, वे टू टेरेस है, छत पे जाने का रास्ता है, समझ गया मैं, काफी ब्यूटीफुल है, काफी अच्छा, ये सब कुछ सेम है सा, एक कमरा सेम है, ये दूसरा सेम है, ये रूम काफी अलग है इन सब रूमों में से, और इसके अंदर की डिजाइन सबसे खूबसूरत है। ये लॉक्ड है, ये विंडो थी, ये बंद है, ये खुल नहीं रही है, ये विंडो लॉक्ड है, पर बाहर क्या दिखता देख लो, ये बाहर ऐसा व्यू है इस विंडो के बाहर, और ये ऐसा डिजाइन इस रूम का, और देट ये भी एक रूम है, इसे टोटल ये एक अपार्टमेंट है, ऐसे 9 अपार्टमेंट है, उसके अंदर इतने सारे रूम है। 1880 से लेके 1922 के बीच में इसका काम कंप्लीट हुआ है, इसको बनने में 42 साल लगते हैं सर, 42 इसको बनने में लगे, बिकॉज ऑफ जैसे ये लोग दिन में बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग रात में गिर जाती थी, फिर बिल्डिंग बनने फिर रात में गिरता, सब बार बार होता था, 2 महीने को स्ट्रक्चर खड़ा करा, 2 महीने बाद वो स्ट्रक्चर रात को वापस गिर गया, क्योंकि बिना मशीनरी के इतने हाइट पर पत्थर लेके आना, उसको बिना मशीनरी के इक्वल काटना और सही जगह पर लगाना, ये बहुत बड़ा काम होता है, बार बार दीवार गिरती, बार बार दीवार बनाते तो राजा भी परेशान हो गया, तो मैम सबके पास तांत्रिक्स होते हैं, हम लोग जो बात करते हैं पंडित वगैरह,
सबके पास में, तो राजा ने अपने तांत्रिकों से पता लगाया कि यहाँ पे नाहर सिंह नाम का भूमिया भूत आत्मा सोर जिन आप जो भी बोलते हो वो यहाँ पे रहता है, तो स्ट्रक्चर बनने नहीं देता है, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर तोड़ देता है। तो इसका सोल्यूशन चाहिए था, तो राजा ने सोल्यूशन निकलवाया, सबसे पहले तो आप इस पैलेस का नाम चेंज करो। इस पैलेस का नाम पहले सुदर्शनगढ़ रखा गया था, भगवान विष्णु के चक्र के जैसा होगा, अष्टकोणीय होगा, इसमें आठ ही अपार्टमेंट रहेंगे। उसके बाद अपार्टमेंट शुरू किए गए और इसका नाम सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ चेंज किया गया, तो उन्हीं के नाम में इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा हुआ है। और पैलेस के पीछे एक मंदिर बना हुआ है नाम सिंह भूमे जी के नाम से, तो आप वो मंदिर भी देख सकते हो और हम लोग पैलेस भी देखते हैं। तो एक रानी का सर एक सर्दी वाला अपार्टमेंट में, जिसमें राजा ने रानी के लिए बेडरूम हॉल स्टोर रूम किचन सर्वेंट्स रूम डाइनिंग रूम लिविंग एरिया टॉयलेट एवरीथिंग, तो एक अपार्टमेंट रानी के लिए सब कुछ दिया है। तो ये सर्दी वाला अपार्टमेंट है, क्योंकि सर हम लोग शहर से सिटी से 700 फुट की हाइट पर रहे हैं, इस तो यहाँ पर सर्दी में हवाएं तेज चलती है, तो हर अपार्टमेंट में सर्दियों से बचने के लिए राजा ने फायरप्लेस लगवाया था। अच्छा नाइस, इसका भी वेंटिलेशन ऊपर ही दे रखा है। तो फायरप्लेस लगवा रखे हर अपार्टमेंट में, तो एक अपार्टमेंट नीचे सर्दियों वाला, एक अपार्टमेंट नीचे ऊपर गर्मियों वाला। तो मैम आप ये हॉल है, इसमें मास्टर बेडरूम है, इसके बाद में आप किचन और स्टोर रूम दोनों देख सकते हैं। ये वाला रूम बताओ ना, ये सबसे खूबसूरत है अंदर से। ये रूम बताओ ना, इसकी डिजाइन सबसे खूबसूरत। ये क्या था? ये लिविंग एरिया था। ओके, और ये मास्टर बेडरूम था जहाँ अपन बात कर रहे थे। छोड़ा क्यों नहीं? ये सब इंटरकनेक्टेड होगा। आप किसी भी अपार्टमेंट में चार जगह से जा सकते हो, नीचे से इंटरकनेक्टेड, ऊपर से दो कूलर, चार जगह मतलब कोई बंदा अगर एक जगह से आ रहा है तो उसी जगह से वापस नहीं जाएगा, दूसरी ये क्या है इसको शोपिस, अच्छा इसलिए अलग अलग शोपिस। वो चारपाई नहीं बनाते प्लास्टिक का पट्टे डाल, हां ये वो है प्लास्टिक चारपाई नहीं बनाते। हम लोग पालक से हरा कलर बना सकते हैं, चकुंदर से लाल कलर बना सकते हैं, और हल्दी से हम लोग पीला कलर बना सकते हैं। कलर बनाने की टेक्निक उनके पास अच्छी थी, जिससे कि लंबे टाइम तक कलर खराब नहीं होते। ये पेंट सर पुराना है, हमने जो नीचे देखा वो पेंट रिनोवेट हो गया, कि वो इससे थोड़ा नया ये रिनोवेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तो यहाँ पे मैम बहुत कम लोग आते हैं। जैसे लोग जाए तो दो तीन अपार्टमेंट्स में घूमते हैं और द अपार्टमेंट आर सिमिलर, तो वो लोग वापस निकल जाते हैं। उसी के तो ये पंखे के लिए हम लोग रस्सी वाला पंखा नहीं चलाते, उसी के लिए कुंडे लगा रखे। और पहले ये कांच नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे जूट के कर्टन रखते थे, जूट के कर्टन लगाए जिसको हम लोग ये मेकअप रूम है, ये समर वाला एरिया है जहाँ पर हम अभी कर रहे हैं, ये समर अपार्टमेंट है। देखो ये मेकअप रूम है, ये कांच नया लगवाया हुआ है और उधर कांच पुराना लगा हुआ है। तो ये समर वाला अपार्टमेंट है रानियों के लिए बनवाया था, ये समर वाला अपार्टमेंट है रानियों के लिए बनवाया था। टोटल 18 अपार्टमेंट है, दो हिडन थे जो ऊपर से पूरे दिखते हैं, इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे। ये समर वाला है, जब गर्मियाँ होती थी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चलती थी, उस हिसाब से ये है। यहाँ पर समर के टाइम रानियाँ रुकती थी, और नीचे वाला जो अपार्टमेंट था वो कोल्ड के टाइम था, यानी कि सर्दियों के टाइम पर वहाँ पर रानियाँ रुकती थी। और ये इतना ब्यूटीफुल है व्यू, मैंने आपको बता दिया कि हर विंडो से काफ़ी इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर व्यू है, यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। ये विंडो सारी बंद कर रखी हैं लोग, क्या बता रहे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। तो ये है, और ये इतना सुंदर, ये रिस्टोर्ड भी नहीं है, वो जो नीचे वाला था वो रिस्टोर्ड था, पेंट रिस्टोर किया था। और ये जो कलर्स है सारे सारे हमको जैसे गाइड ने बताया, ये वेजिटेबल कलर से सारी की सारी दीवारें पेंट की हुई है।
ये मेरे लिए क्विज कॉरिडोर है जहाँ पे रानियाँ एक दूसरे से बात करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए और चुगलियाँ करने के लिए इसी कॉरिडोर में खड़े होकर बातें करती थी एक दूसरे। चुगलियाँ भी कर सकती है मैम, वही बातें चुगली है लेडीजी आज वही करती है जो पहले करती थी। लेडी वाला कॉरिडोर इंटरकनेक्टेड है पूरे नौ पैलेस से, आप इस कॉरिडोर से किसी भी पैलेस में जा सकती है। यहाँ से रानी एक दूसरे से बात करने के लिए इसी कॉरिडोर को यूज करती थी। आप आमिर में जाओ वहाँ पे नौ रानी बारह रानी के अपार्टमेंट्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ पे रानी को बात करनी है तो बारह दरी पे आके बात करती है, एक सेंटर था क्योंकि वो सारी राज परिवार से है। ये राजा की दासियां हैं या पटरानी पटदायक जो भी है, तो उनके लिए सर राजा ने सिमिलर कॉरिडोर बनाया पूरे नौ अपार्टमेंट्स को छोड़ा। कोई भी रानी किसी भी रानी के पास कभी भी जा सकती है। तो सर चार अपार्टमेंट की बात हुई थी कि ऊपर चार अपार्टमेंट कैसे हैं, दो अपार्टमेंट आपके लेफ्ट में, दो अपार्टमेंट आपके राइट में, बिल्कुल सेम है सर, सारे सेम। आप देखो ये चेंज नहीं ना क्या देते फिर आप हम लोग जी ये राजा का गलियारा आओ सर गलियारा काफी लंबा है। आ जाओ आ जाओ सेम अपार्टमेंट, हमने जो पीछे अपार्टमेंट देखा था सेम अपार्टमेंट है सर। ये लास्ट वाला है सामने, अब इसके राइट में लेफ्ट साइड है। ये मिरर लाइटिंग और ये वायर क्यों कनेक्टेड है? ये लाइटिंग और मिरर ये वायर कनेक्टेड है, लाइटिंग मिरर से लास्ट शूट चल रहा है। अच्छा इसकी वजह से है। हाँ। ये प्री वेडिंग के लिए ये होता है, शूट देखना है वो मैडम ने अच्छे से पकड़ रखा है शूट के लिए। ये प्री वेडिंग यहां होता है, प्री वेडिंग नहीं हो रहा है सर, वैसे कोई कपड़ों का शूट। हां उसी जगह। तो यहाँ से आप पूरे नौ रानियों के अपार्टमेंट में राजा जब भी जाएं किसी भी रानी के पास में आ सकते हैं। जब भी राजा आएंगे सारी रानियों के गेट्स बंद हो जाएंगे। डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो वो तो उस समय तुमको वैसे भी नहीं पता चलता होगा है ना सर। डिफरेंस एक ही तरीके से हर अपार्टमेंट के सामने नाम लिखे हुए हैं, सूरज प्रकाश चंद प्रकाश, बस वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। बाकी और जयपुर वाले राजा खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, इसीलिए अपने अपार्टमेंट्स के नाम पे उन्होंने प्रकाश लगाया। ये किंग्स कॉरिडोर, ये पूरा जो अपन चल रहे किंग्स कॉरिडोर है ना सर, और ये ऑल कॉरिडोर आर कनेक्टेड ऑन दैट पैलेस, ये पहले से कनेक्टेड है। और ये पीछे राजा रहते थे जो बंद है अभी। यहाँ से सारे अपार्टमेंट के गुम्बद दिख रहे हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। पर मम्मी यहाँ से कितना सुंदर है, सारे कनेक्टेड है, उनके गुम्बद दिख रहे हैं। नीचे टाइम ये है व्यू इनारगढ़ से, इतना खूबसूरत। ये इनारगढ़ फोर्ट के टॉप पे खड़े हैं, तो यहाँ से सारे अपार्टमेंट जो थे उनके गुम्बद हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और टेरेस से पूरे जयपुर का इतना सुंदर व्यू है, पूरा जयपुर दिख रहा है पीछे की साइड में, इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। जिसको भी जो भी वीडियो देखेगा, अगर किसी को गाइड चाहिए रेफरेंस चाहिए तो भैया का नाम है तो आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हो, इन्होंने अच्छी तरीके से हमको घुमाया, आप इनको कंसल्ट करके यहाँ आ सकते हो। इनका नाम ले लेना टिकट काउंटर पर तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है ओके थैंक यू। तो ये सारे अपार्टमेंट है जो इंटरकनेक्टेड है,
एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ऊपर नौ है, नीचे नौ है, मतलब सर्दी के लिए नौ और गर्मी के लिए नौ। यहाँ पर वो ब्रांड का फोटोशूट चल रहा था जो मैंने कैप्चर करके बताया। ये है अपार्टमेंट, ये वो बोल के चलो। ये शो पीस है, उसका गाइड ने बताया ना कि खाली नहीं रखते अपार्टमेंट को, खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो ये शो पीस लगे हुए यहाँ पे। गाइस अब एग्जिट लेंगे। और ये था नारगढ़ फोर्ट का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये ऐसा कुछ व्यू है, इतना ब्यूटीफुल, और गाइड ने काफ़ी डिटेल में समझाया जो हमको नहीं पता था कि कोल्ड स्टोरेज है, वो चूने से बना हुआ है, वो ठंडा रहता है, नो ऊपर समर के हैं, हम तो अपार्टमेंट देख के चले जाते, तो वो बढ़िया था। चार्ज उन्होंने 150 रुपीज़ किया पर ग्रुप, हम दो ग्रुप में शेयरिंग थे तो 300 रुपीज़ चार्ज किया उन्होंने। ये था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।